एक बार की बात है, एक बूढ़ी दादी माँ थी जो बहुत ही खुश मिजाज थी। हालांकि उसके पास उस खुशी के हिसाब से सब कुछ बहुत कम था, पर उसका मानना था कि जिंदगी का सफर या तो हंसकर बिता लो या रोकर, और उसने हंसकर बिताने वाली बात चुनी। हेलो प्रिसिला मेरी बच्ची, सुबह कैसी बीत रही है? कुछ खास नहीं, बस सुबह से घर का ही काम निपटा रही हूँ, वही रोजमर्रा का काम। अरे बेटा, इतना काम करोगी तो थक जाओगी, मुझे बताओ मैं कुछ मदद करूँ। अरे आपने तो मेरा दिन ही बना दिया। जी हाँ, बूढ़ी दादी माँ पड़ोसियों के काम में हाथ बटा के अपना गुजारा करती थी। बदले में उन्हें खाना मिल जाता या पीने को सूप, और कभी कभार एक आधा रुपया। जिंदगी अच्छी चल रही थी और बूढ़ी दादी ने कभी कोई शिकायत नहीं की। पर आप सोच रहे होंगे, ऐसी कौन सी मजे वाली बात है उनकी जिंदगी में या उनकी कहानी में, है ना? तो ये वो बात है जो इस कहानी को बनाती है बहुत ज्यादा दिलचस्प। सर्दियाँ आ रही हैं, मुझे खुद को गर्म रखने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करनी होंगी। उस दिन वो बूढ़ी दादी बाहर जंगल में गई। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते और गुनगुनाते हुए बढ़ रही थी। अचानक वो एक गड्ढे के पास पहुंची और अंदर उन्हें मिला एक भूरे रंग का घड़ा। अरे रे, ये क्या मिल गया मुझे? पता नहीं कौन इसे यहाँ गड्ढे में छोड़ गया, ना जाने ये घड़ा किसका होगा। बूढ़ी दादी ने इंतजार किया, इधर उधर देखा कि शायद उस घड़े का मालिक उसे लेने आ जाए, पर कोई नहीं आया। शायद किसी ने इसे फेंक दिया है। खैर, किसी की बेकार चीज किसी दूसरे के लिए खजाना। ये घड़ा तो मेरी खिड़की में फूल उगाने के बढ़िया काम आएगा। अरे अरे, ये क्या मिल गया मुझे? ये तो सोने के सिक्कों से भरा हुआ है। ये है किस्मत, मैं अमीर हो गई, बहुत अमीर, बहुत ज्यादा अमीर। क्या बात है, अमीर अमीर अमीर, बहुत अमीर। बूढ़ी दादी ने घड़ा उठाने की कोशिश की, पर वो कुछ ज्यादा ही भारी था। उसने सोचा पर कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा कि अब उसे हाथ गाड़ी की तरह खींच कर ही ले जाना पड़ेगा। को पता नहीं चलेगा, मैं चुपके से सबके घर के आगे एक एक सिक्का रखाऊंगी, वो भी खुश हो जाएंगे। मैं एक बहुत बड़ा घर खरीदूंगी और आग सेकते हुए चाय पीऊंगी, काम भी नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल रानियों जैसी जिंदगी होगी। कितना मजा आएगा जब मैं अपनी कुर्सी पर बैठकर चाय पीऊंगी। कब से चाह रही थी कि मेरी अपनी कुर्सी हो। वाह वाह, क्या बात है, मैं बन गई हूँ अमीर। तब तक वो इतना वजन खींचते खींचते थक गई थी और कुछ देर आराम करने के लिए रुकी। जैसे ही वो सोना देखने के लिए पीछे मुड़ी तो ये क्या, इसमें तो सोना है ही नहीं, बल्कि इसमें तो सिर्फ चांदी का ढेर है। ये क्या, ओह कितनी बेवकूफ हूँ मैं, अभी तक मैं यही समझती रही कि ये सोने का घड़ा है। मैं जरूर सपना देख रही थी, ये भी तो किस्मत ही है, चांदी को संभाल कर रखने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी और लोगों का ध्यान भी नहीं जाएगा। शायद मेरा घर उतना बड़ा नहीं होगा, पर मैं फिर भी कुर्सी पर बैठकर आग सेकते हुए चाय तो पी ही लूंगी। और वो यही सोचते हुए आगे बढ़ती रही कि वो क्या क्या करेगी और कितनी अमीर हो गई है। पर फिर से उसे थकान महसूस हुई, वो रुकी और अपना खजाना देखने के लिए फिर से पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि अब उसमें चांदी नहीं बल्कि लोहा था। ये क्या, ये क्या, ओह कितनी बेवकूफ हूँ मैं, अब तक मैं यही समझती रही कि ये चांदी का घड़ा है, मैं जरूर सपना देख रही थी। पर ये भी तो किस्मत ही है, मैं लोहे को बेचकर बदले में पैसा ले लूंगी।
और फिर मुझे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर हाँ, अब मैं नया घर तो नहीं खरीद पाऊंगी, पर मैं अब भी अपने लिए छोटा सा फायरप्लेस और कुर्सी तो ले ही सकती हूँ। आग सेकते हुए कुर्सी पर बैठकर चाय के मजे लूंगी, क्या जिंदगी होगी। और वो आगे बढ़ती रही सपने सजाते हुए कि वो इन पैसों का क्या करेगी, पर फिर दोबारा वो थक गई। और इस बार वहाँ लोहा नहीं बल्कि बहुत बड़ा पत्थर था। अरे वाह वाह, ये तो कमाल ही हो गया, मेरी किस्मत चमक गई। मुझसे ज्यादा खुश किस्मत और कोई नहीं। उस सोने चांदी के बारे में सोच सोच कर तो मेरा सर ही दर्द हो गया था, पर ये एकदम सही है। मैं कब से अपने गेट को खुला रखने के लिए पत्थर चाह रही थी, अब सारी परेशानी खत्म हो गई, क्या बात है। इस तरह पत्थर रखकर अपने गेट को खुला हुआ देखने की जल्दबाजी में वो पहाड़ी से नीचे उतर आई और अपने घर पहुंच गई। पर जैसे ही वो हाथ गाड़ी से पत्थर उतारने के लिए पीछे मुड़ी तो वो देखकर हैरान हो गई कि पत्थर और बड़ा हो गया था। ओ, क्या बात है, ये तो बिल्कुल सही है। मैं इस पर बैठ सकती हूँ और चाय पी सकती हूँ, मुझे कुर्सी की कोई जरूरत ही नहीं, इस पत्थर से ही मेरा काम बन जाएगा। हाँ, शुक्र है बैठने के लिए कुछ मिला ताकि मैं बैठकर चाय पीऊं। इससे पहले कि वो उसे छूने के लिए नीचे झुकती, पत्थर रुई के ढेर में बदल गया और उसमें से निकली चार सफेद टांगे और दो कान और एक चेहरा। चेहरा जो एक ऐसे जानवर की तरह लग रहा था जिसके जंगली कुत्ते की तरह होंठों के ऊपर दांत निकले हुए थे। उसकी आंखें लाल थीं और भौहें मुड़ी हुई। वो था कॉटन बीस्ट। क्या बात, क्या बात, ये तो कमाल ही हो गया, कितना प्यारा है ये जानवर, मैं हमेशा से एक पेट चाहती थी। क्या? तो चलो अब अंदर आ जाओ। तुम किस तरह की इंसान हो, मैंने तुम्हें सोने का लालच देने की कोशिश की, फिर चांदी का, और फिर मैंने उसे लोहे के ढेर में बदल दिया, फिर पत्थर बना दिया, और तुम हर बार मुझे सिर्फ खुश ही दिखाई दी। और अब जब मैंने तुम्हें अपना खूंखार चेहरा दिखाया, मैं तुम्हें प्यारा लग रहा हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम सच में प्यारे हो। मैं यहाँ अब और नहीं रुक सकता, बाय। ऐसा कहते ही कॉटन बीस्ट ने तितली का भेष बनाया और वो उड़ गया। बूढ़ी दादी ने उसे जाते हुए देखा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और फिर वो भी अपने घर के अंदर चली गई। जब वो घर के अंदर पहुंची, तो उन्होंने देखा कि जमीन पर वही पत्थर पड़ा हुआ है। ये क्या? वो हैरानी से उसे देख ही रही थी कि तभी वो पत्थर एक सुंदर सी लकड़ी की कुर्सी में बदल गया। क्या बढ़िया कुर्सी मिली है, मैं जल्दी से अपने लिए चाय बना लाती हूँ। क्या बात है, वही लोहे का ढेर सबसे पहले से कल जाकर बेच आऊंगी। अरे वाह वाह, ये क्या मिल गया। ओ बूढ़ी दादी कितनी खुश हैं। खुशी में वो झूमने लगी और अपने पीछे उन्हें रखा हुआ मिला सोने से भरा हुआ घड़ा। सोने से भरा घड़ा, चांदी का घड़ा, लोहे का ढेर, मेरी कुर्सी, क्या बात क्या बात, मजा ही आ गया। बूढ़ी दादी हमेशा की तरह खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। और आप देख सकते हैं कि लालच उनके आसपास भी नहीं था, उन्होंने अपना खजाना चुपके से अपने पड़ोसियों के साथ बांटा और सब बहुत खुश थे, खासकर हमारी बूढ़ी दादी जिन्होंने हमें न सिर्फ जो है उसमें खुश रहना सिखाया, बल्कि ये भी कि अगर हम नजरिया बदलें तो निराशा किस तरह एक मौका बन सकती है और हम कभी भी दुखी नहीं होंगे।